Hey, hello gamers, welcome back to the new episode of Pal World. Last episode में गेमर्स आप सबको याद होगा, हम लोग इस जोरमोंटे या जोरमोंटे नाम के एक नए ड्रैगन को लेके आए थे। और भाई साहब, मैंने इसको ऑफ कैमरा थोड़ा सा टेस्ट करा, भाई बहुत पावरफुल है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल बॉस है ये। और आज इन पैल्स की मदद से हम लोग जाने वाले हैं जेड ड्रैगन के पास एंड उसको हराएंगे। और वहाँ पे हराने का मैंने एक प्लान बना रखा है, हम लोग उसके एरिया में जाके एक अपना बेस बनाएंगे और अपने बेस पे जितने भी पैल्स हैं उनको बाहर निकाल के उसके ऊपर अटैक करेंगे। और यही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहा है क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। उसको मारने के लिए मेरे को अभी ये एक कैनन या रॉकेट लॉन्चर जैसा कुछ है वो चीज़ चाहिए, बट वो अभी मैं अनलॉक नहीं कर सकता। ये रहा रॉकेट लॉन्चर, इसका डैमेज 10,000 है। आई मीन चार पांच रॉकेट मार देते तो बस के छूट जाएंगे, इसको इजीली पकड़ लेंगे, बट इसको अभी मैं अनलॉक कर नहीं सकता। दैट्स वाई हम आज जाने वाले हैं और अपना बेस बना के उसको वहाँ पे मारेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आज सबसे पहले जोरमोंडे का ना सैडल बनाना है, तो वो मैं सबसे पहले सैडल बना देता हूँ। चल आज मेरे जोरमोंडे कहाँ पे गया सैडल वाला, ये रहा सैडल। इसका सैडल बनाने के लिए क्या चाहिए, मैंने अनलॉक तो करा है ना जोरमोंडे, आई थिंक मैंने अनलॉक नहीं करा है। वेट करो गाइस, मैं सबसे पहले इसका सैडल अनलॉक करता हूँ, वो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वेयर इज़ द सैडल जोरमोंडे, अरे मैंने अनलॉक करा है। ओके लेदर चाहिए भी इसको, अरे भैंस कुछ ना गाइस सीरियसली कमी पड़ी जाती है। काम करते वैसे अगर मैं ट्रेडिंग पोस्ट पे जाने वाला हूँ तो एक काम करते, मेरे पास जितनी भी महंगी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें मैं ज़रा बेच के आता हूँ। ये हम लोग गेमर्स आ चुके हैं ट्रेडर के पास। चल भाई मेरे को जल्दी से थोड़ा सा सामान दे दे, लेदर चाहिए था मेरे को। मेरे पास अभी लगभग 15,000 रुपये, तो 6,010 ओके 10,000 का गाइस लेदर बाय करते, ठीक है 71 लेदर आ गया 10,000 में। एंड मेरे पास अभी कुछ चीज़ है उनको सेल कर देते हैं। ये प्रीशियस एंड्रिल्स इसके 4,000 मिलेंगे, ये 2,000 का जाएगा। ये आइस ऑर्गन काफ़ी सारा, ये 9,000 का जाएगा। हाँ ये आके अच्छी खासी जाती है, इसके भी 4,000 मिलेंगे। और ये सोल्स नहीं भाई, ये बहुत रेयर होते हैं, ये मेरे को 11,000 मिलेंगे। सो गाइस जितने का मैंने सामान बाय करा उतने ही मेरे को पैसे बेच के वापस मिल गए, तो ये बहुत बढ़िया डील है ये वाली। एंड गाइज मुझे ना इस गेम में एक चीज़ लगती है कि ना चीज़ें बनाने से अच्छा बाय करने में ही ना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि चाहे तो मैं ना बहुत सारे पैल्स पकड़ के उनको बेच भी सकता हूँ और उससे भी हमको ना पैसे मिलते हैं। मतलब काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते हैं वो लोग पैल्स को भी सीधा बाय करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इस गेम में ना पैसे ही बनाते हैं और पैसों से ही मुझे गोलियाँ वगैरह इन्हों परचेस करनी चाहिए। वैसे भी इस गेम में भाई गोलियाँ बनाना बहुत मुश्किल है यार, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अभी देखो मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पे ना थोड़ी सी गोलियाँ बना के रखी थी, अभी मेरे पास कितनी है, मेरे पास हैंडगन के लगभग 165 एमोज है एंड राइफल की थोड़ी कम है। तो एक काम करते हैं थोड़ी से मैं राइफल के एमोज बना देता हूँ। वैसे मैं काफ़ी सारी नहीं, और यार कितनी बनेंगी, ओके ओनली 50 बनेंगी, तो ठीक है ओनली 50 बनेंगे। और वैसे बाकी कैमोज बनाने के लिए आई थिंक मुझे गन पाउडर बनाना पड़ेगा, और मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट बनाने के लिए रखा था, तो गन पाउडर बनाने के लिए भी चारकोल चाहिए। भाई चारकोल तो मैंने काफ़ी सारा बनाने के लिए बोला था, आई थिंक इन्होंने बनाया होगा। अभी यार मैं दूसरी तरफ कैसे जाऊँ, इसकी भैंस की कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा। लगभग 250 चारकोल यहाँ पे बना के रखा है, इस चारकोल को इसके अंदर स्टोर कर देते हैं, ये वाले चेस्ट के अंदर चारकोल जाएगा। अरे जाना भाई, अरे जगान इसकी भैंस की, ओ महंगी चीज़ें इधर भी है थोड़ी सी, तो ये बेरीज आ जाओ, चारकोल वहाँ पे जाएगा। एंड नाउ अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे बहुत सारा गन पाउडर, ये गन पाउडर बहुत ज़रूरी है। तो ये कितना बनेगा, अभी 40 बनेगा, 40 का मतलब कितना होता है, ओके 40 का मतलब 40 होता है। तो ये गन पाउडर मैंने यहाँ पे बना दिया, लेदर उठा लेते हैं। एंड अभी मेरे को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, ये ग्रैपलिंग गन से दूसरी तरफ जा सकते हैं क्या, यार जाने दो मेरे को। अरे यार ये अभी मैं कैसे जाऊँ, एक सेकेंड एक काम करते हैं, यही पे गाइस नाम एक चेस बना लेता हूँ इसकी भैंस की, एक तो भाई मुझे बहुत काम है आ जाओ। यहाँ पे एक चेस बना दिया मैंने अभी, ठीक है अभी इसके अंदर में ये सीमेंट और ये रखवा देते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। और अभी जल्दी से चलते हैं एंड उस जोरमोंडे का सैडल बनाते हैं। ये गेमर्स मैंने यहाँ पे जोरमोंडे का सैडल बनाने के लिए बोल दिया है, एंड नाउ अभी हम लोग इसको राइड करेंगे। मुझे लग रहा है इसका स्पीड ना बहुत ज़्यादा होगा, तो अपने लिए बहुत बढ़िया होगा इसको राइड करना। और एक बार ना मैं आपको इसकी पावर्स दिखा देता हूँ, मतलब मैंने तो देखो ऐसे देख ही लिया है, लेकिन मैं आपको भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आसपास कोई है क्या, वैसे यार यहाँ पे सारे नुबड़ी है, बट फिर भी देख लो वहाँ पे चिकपीज है। अभी उनको कैसे मारता है, बस देखो मार जरा उनको, जरा देखो ये देखो, जस्ट लुक एट दिस भाई, मुंह से पूरा समंदर फेंक रहा है ये, और सारी चिकपीज फेल दी भाई ने। ही इज़ द बेस्ट गाइस, ही इज़ द बेस्ट। और इसको राइड करूंगा तो ये उड़ तो नहीं पाएगा, बट आई थिंक चलेगा ऐसे, मतलब सांप की तरह रेंगता है ना उस तरीके से, और दिखने में तो भाई वैसे सांप ही है, बट बोलते हैं ड्रैगन है इसको, पता नहीं ड्रैगन क्यों बोलते हैं, बट बहुत अजीब है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैल है अभी से ये। ओके इसका सैडल आ गया, चल मेरे को भी राइड करा दे जोरमोंडे। उड़ेगा तू, नहीं उड़ेगा तो नहीं, बट ये पानी के अंदर आई थिंक काफ़ी तेज काम करेगा। वैसे यार स्पीड ज़्यादा नहीं है वैसे, ओके ट्राई लाइटनिंग का नाम का इसका कोई डैमेज है। अरे यार अभी ऊपर चल, ओके एक सेकेंड इसके ऊपर डैमेज करते, ठीक है ट्राई लाइटनिंग कम ऑन, ओके ओह ये, अरे तगड़ा डैमेज है इसका। फिर
आई मीन बट यार स्पीड ठीक ठाक ही है, मेरे को लगा यार बहुत तगड़ा यू नो स्पीड होगा, और ये इसका थंडर क्लस्टर या वाटर क्लस्टर, ये चीज़ बहुत खतरनाक है भाई। आई जस्ट लव दिस थिंग। मतलब पूरा समुंदर का आधा पानी भाई फेंक देता है बाहर। तो अभी इसका हमने सैडल बना लिया एंड नाउ इससे मैं भी उतर लेता हूँ, ठीक है। बहुत हो गया सैडल। और अभी मैंने लगभग सारी चीज़ें बना ली है अपना, यहाँ पे लेजेंडरी स्पेयर्स भी मैंने कुछ बनाए थे ऑफ कैमरा। या मेरे पास अभी लगभग कितने लेजेंडरी स्पेयर है, अभी मेरे पास 6 लेजेंडरी स्पेयर्स है। और ये लेजेंडरी स्पेयर की जरूरत इसकी वजह से क्योंकि आज हम पकड़ने जाने वाले हैं जेट विंग को, आई मीन जेट ड्रैगन को। दैट्स वाई ये लेजेंडरी स्पेयर की जरूरत है। मेरे पास थोड़े से थंडर क्लाउड है, मैं थोड़े से ना और थंडर क्लाउड यहाँ पे बना देता हूँ। लास्ट एपिसोड में हम लोग लेके आए थे थोड़े से क्लाउड, कितने बनेंगे? ओके 6 बनेंगे भाई, 6 बनेंगे तो भाई मज़े आ जाएगा। तो अभी ना मैं जब चाहे तब कहीं से भी आस पास के बेस पे टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। ये गन पाउडर यहाँ पे स्टोर कर देते हैं एंड आई थिंक वी आर रेडी। मैं कार आर्मर देख लेता हूँ, आर्मर थोड़ा सा मेरा डैमेज्ड है। एंड मेरे को ना एक और चीज़ करनी है यार, मेरे को वो शील्ड बनानी की है, वो बड़ी सी शील्ड। वो शील्ड बनाने के लिए ओके अभी मेरे पास आई थिंक एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट आ गए, तो ये गाइस हाइपर शील्ड बना लेते हैं। अभी मेरे पास कौन सी शील्ड है, मेरे पास एक गीगा शील्ड है। हाइपर शील्ड तो इससे भी बेटर होगी, तो ये हाइपर शील्ड यहाँ पे मैं स्टोर करके रख देता हूँ, क्योंकि ये वाली जो हाइपर शील्ड है उसको हम बेचने वाले हैं। एंड गेस वॉट, ये सारी चीज़ें बनाने के बाद ये लेजेंडरी स्पेस वगैरह ये भी बहुत महंगी चीज़ें बिकती है। मतलब इसके मेरे को 2-3 हज़ार डॉलर्स तो इजीली मिल जाएंगे ये गीगा शील्ड के। और ये नई वाली शील्ड लगभग अपनी बनेगी, अभी ये नई गीगा शील्ड पहनेंगे, इसका प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा बढ़िया। तो ये प्रोटेक्शन हमने पहन लिया और मुझे अपने ना गन को वगैरह भी रिपेयर करना है। तो सबसे पहले गन को रिपेयर करते हैं एंड देन शुरू होगा रियल एक्शन। ये रिपेयरिंग बेंच कहाँ पे गया? ओके ये रहा मेरा रिपेयरिंग बेंच, जल्दी से मेरी गन को रिपेयर कर दो। अरे यार अभी एंशिएंट सिविलाइजेशन पार्ट सारे यूज़ हो गए वहीं पे, इसकी भैंस की अभी ये भी ओके ये तो यूज़ होगा आर्मर एटलीस्ट, ये भी रिपेयर कर दो। ओके सो गाइज वी आर रेडी। तो अभी यहाँ से ना मैं आई थिंक मेरे पास सारी चीज़ें गोलियाँ है मैंने ले ली है, ये खाना वगैरह है, खाना यहाँ पे मैं रखवा देता हूँ। एंड ये जो मेरे पास पाल फ्लूइड भाई, ये पाल फ्लूइड लाने के लिए भाई मैंने बहुत मेहनत करी है, पाल फ्लूइड मैं यहाँ पे स्टोर करके रख देता हूँ। ठीक है सो वी आर रेडी गाइज। अभी यहाँ से सबसे पहले मेरे को एक चीज़ करनी है, मेरे को ना अभी सबसे पहले अपना पुराना वाला जो बेस है उसको तोड़ना पड़ेगा किसी एक बेस को, और उसको मेरे को नई जगह पर लेके जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो बेस है इसको तोड़ देते हैं अभी के लिए, इसको बेस को तोड़ के हम लोग ना इसको बनाएंगे दूसरी जगह पे, ठीक है। तो मेरे को भी ये वाला बेस गाइस तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये बेस बनाना है जेड ड्रैगन के पास, और वहाँ पे जाके हम लोग अपने बेस से पैलेस निकल के उसको मारने वाले। तो ये मैंने बेस तोड़ दिया, डिसअसेंबल हो गया। एंड अभी यहाँ से घर पर जाने के लिए मेरे पास है ना वो, या मेरे पास एक थंडर क्लाउड है, ये देखो वो मेरे को टेलीपोर्ट कर देगा पास वाले बेस पे, और आई होप मेरे घर पे ही ट्रैवल कर दे मेरे को, नहीं तो अभी ना मेरे को चल के जाना पड़ता। यस भाई घर पे ही आ गया, और अभी मैं कहीं पे भी गाइज एक नया बेस बना सकता हूँ। तो अभी मेरे को यहाँ से ट्रैवल करके जाना पड़ेगा यहाँ पे, वैसे जेट ड्रैगन के आसपास जाने के लिए रास्ता कहीं से भी नहीं है, तो उसी रोड से मेरे को वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी फास्ट ट्रैवल क्यों नहीं कर पा रहा मैं, हाँ ये रहा, यहाँ से फास्ट ट्रैवल करके निकल लेते हैं इधर रूइन फोर्ट्रेस पे, एंड वहाँ से हम लोग जाएंगे जेट ड्रैगन के पास, वहाँ पे अपना बेस बनाएंगे और उसको पीलेंगे। मुझे देखो डर तो अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट वी कैन डू दिस, ठीक है, ईजी है। बस मुझे फोकस रखना है और पैल्स को बस रिप्लेस करते जाना है मुझे। मतलब मेरा कोई पैल मिल गया उसकी जगह पे नए पैल को भेजना है। वैसे जाना किस तरफ है मुझे, या इधर से सीधा ही जाना है। वैसे ये वाला लोकेशन दिखने में यार काफ़ी प्यारा खूबसूरत है, बट कोई भी फ़ायदा नहीं है। और अभी इसकी भैंस की का है मार रहा है मेरे को, कुछ नहीं करा मैंने, छोड़ दो मुझे। यहाँ पे वैसे काफ़ी यूनिक पैल्स हैं, बट यार ज़्यादा चीज़ें मैंने ना यहाँ पे देखी नहीं है, तो बोरिंग सी जगह लगती है। जेड ड्रैगन के एरिया में आ चुके हैं, बस ये बाकी के जो नूबड़े के हैं ना पंछी, वो मेरे पीछे ना पड़ जाए, उनसे मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना कोने कोने से निकलने वाला हूँ। मेरे को सबसे पहले जाके उसके घर के आसपास बेस बनाने का है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी बेस की मदद से हम लोग उसको पहनने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है बेस मैं यहीं पर बना सकता हूँ, वो यहीं पर रहता है, एग्जैक्टली इसी लोकेशन पर रहता है। थोड़ा सा आसपास देख लेते हैं, यहाँ पे एक अंडा पड़ा है, उठा ले। ओके लार्ज क्रॉचिंग एक मिल गया, वैसे इस अंडे से ज़्यादा कुछ देखो मिलता नहीं है ना, इसके अंदर कुछ ज़्यादा होता है। तो कहाँ पे गया मेरा जेट ड्रैगन भाई, वेयर आर यू माय फ्रेंड? बट यार ये आओ, अरे कुट गया ला, कुट गया, ओ रो रो रो, शट शट शट, इधर ही है, दिखता नहीं है जल्दी। बट यार मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, हम बॉस की फैसिलिटी के पास आई थिंक बेस बना नहीं सकते, आई थिंक यही चीज़ है। एक बार प्लीज़ यार बेस बनना चाहिए यहाँ पे यार, अगर नहीं बना तो यार प्रॉब्लम हो जाएगा। और आई थिंक वही चीज़ है, जहाँ पे बॉस रहता है ना उसके पास हम लोग बेस नहीं बना सकते, टू क्लोज टू बॉस फैसिलिटी। अरे यार यही तो मेरा प्लान था, बट अरे बन तो जाना चाहिए, मतलब ये ओके हाँ ओके गाइज यहाँ पे बन रहा है, तो उसको ना मैं यहाँ पे बुला सकता हूँ, ठीक है। या वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस गाइज, बन जा तू मेरी रानी, चल मेरे अनुबी जाके इसको बना दे। तो गाइज
गेमर्स आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. अभी देखो बेस तो बना दिया हमने, मुझे नहीं लगा था ये बनेगा, बट अभी मैं तगड़े तगड़े पैल्स को अपने बेस पे बुलाने वाला हूँ, जैसे कि हम लोग अपने बेस पे बुलाएंगे. बट एक सेकेंड, मुझे ये बेस से अपने पहले बेस पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो बेस पे मैं पैल्स रखा हूँ उनको मुझे सबसे पहले शिफ्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि यही तो सारे पावरफुल पैल्स हैं ना. तो चलो भाई, सारे के सारे नूबड़ो अंदर आ जाओ बेस के. अभी तुम्हारी मुझे ज़रूरत है नई लोकेशन पर. वैसे भी अपने पास अभी दो तीन तीन चार चार अनुबीज है मेरे साथ, तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस. ये रहा बेस. मुझे मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मुझे मतलब 100% फुल कॉन्फिडेंस है कि हम लोग इसको ईजीली रह देंगे. चलो भाई सारे आ जाओ नीचे. कैटरेस आ गई, ये पानी वाला आ गया. ओके एंड नाउ अभी भी थोड़े से और नहीं, इतने ही बुलाते सबसे पहले, ठीक है. एंड अभी मैं जाके गाइस उसको मैं थोड़ा सा गोली मार के आता हूँ. हेलो माय जेड ड्रैगन ब्रो, कैसा है, कसा है तू, शान आए ना. वैसे भी उसकी 10,000 एचपी है. मैं बीकॉन को बाहर बोल. ओके हेलो, हाय ब्रो, गुड मॉर्निंग, हाय, आ जा. चलो गाइज तैयार हो जाओ बहुत बड़ी बैटल के लिए. लीस्पंक, ओके लीस्पंक को तो उसने मार ही दिया आई थिंक. कम ऑन गाइज, कम ऑन गाइज, अबे मारो उसको, अबे भैंस की, वो मेरे को ही मार रहा है. एक सेकेंड, अरे शिट, वो मेरे को क्यों मार रहा है. ओके कैटरेस को पेल दिया थी उसने. एक काम करते हैं, मेरे अनुबिस को भेज देता हूँ मैं. कम ऑन अनुबिस, मेरे को बस पैल्स को चेंज करना है, ठीक है, वो बस मेरे को ना मारे. ओके उसकी गाइज एचपी तो जा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार. जो 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 पैल्स की गाइज एचपी गई है ना, उनकी जगह पे मैं नए पैल्स भेज देता हूँ, ठीक है. ओके क्वायरिन आ जा, तू आ जा. चल क्वायरिन इसको भेज देते हैं, रिप्लेस करते हैं. इसकी जगह पे किंग पाक आएगा, इसको भेज देते हैं वापस. इसकी जगह पे आएगा पेन किंग आएगा. या फाइट तो चल रही है इस तगड़ी वाली, उसकी एचपी 10,000 पे आ चुकी है. मैं भी थोड़े से कुछ पेल लेता हूँ गोलियाँ. क्यों बे नूबड़े के ही के, खुद को समझता क्या है. ये 9,000 पे एचपी आ गई. आई गो, मेरे को बस मत मारना, अगर मैं मर गया ना तो लफड़ा हो जाएगा यहाँ पे तगड़ा वाला. कम ऑन 9,000, यस. उसका गाइस एचपी तो जा रहा है, मैं एक बार देखता हूँ किसको किसको मारा है उसने. आई थिंक किसी को भी अभी तक नहीं मारा है. अनुबिस को वापस भेजते हैं. ओके अरे एक सेकेंड, जोर मुंडे भाई, मैं उसके बारे में कैसे भूल गया. एक सेकेंड, जोर मुंडे तू यहाँ पे आ जा. इसको भेजते ना भाई, जोर मुंडे को भेजते हैं. अरे यार एक सेकेंड, जोर मुंडे को भेजते हैं कैटरेस की जगह पर. अभी मज़ा आएगा ना, अभी देखो मेरा जोर मुंडे कैसे डैमेज देता है उसको. 7,000 पे गए उसकी एचपी आई है. कहाँ पे गया. ओके हो रहा, क्यों भाई नूबड़े हाँ गधे के ही के, कहाँ पे गया. वो हवा में उड़ रहा है गाइस, उसकी आधी स्पीड डाउन चली गई है. कम ऑन जोर मुंडे माय बॉय, बस ये मेरे को ना मारे, मेरे को मार रही है. ओह शिट, हॉट, बहुत हॉट, आग लगी मेरे को. बचाओ भाई मेरे को बचाओ, बहुत आग लगी है तेज वाली. अरे मेरे को आग, अभी कोई बचाओ. अरे यार मेरे ऊपर पानी फेंको कोई, यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, इसको कलेक्ट कर लेते हैं. ओके गाइज आग बुझ चुकी है, थोड़ा सा मैं खाना खा लेता हूँ. ओके 6,000 पे गाइज उसकी एचपी आई है, बट विट किंग पाका को गाइज उसने पेल दिया. एक सेकेंड गाइज किंग पाका मर चुका है, इसको बुलाते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पे. कैटरेस ये वाला आएगा, कम ऑन हॉकिंग, हॉकिंग आ जा तू भी. ओके 5,000, कम ऑन गाइज, कम ऑन, यू कैन डू दिस गाइज, वी कैन डू दिस. हम उस नुबड़े को मार सकते हैं. 5,000 गाइस, 5,000 भाई, क्या तगड़ी फाइट चल रही है. एक था डियर को मार दिया उसने, एक था टाइगर मर चुका है. ओ माय गॉड, अभी मेरे पास पावरफुल कौन बचा, पावरफुल. ओके ये घोड़ा. ओके कम ऑन, पावरफुल कौन है भाई. ओ शेट, ये मंकी बुलाते हैं, मंकी की जगह पे इसको बुलाते. ओ मेरे को डैमेज आ, नहीं, आर यू सीरियस. What the hell? अरे यार भैंस की, अरे यार मुझे ना वहाँ से हटना चाहिए था यार. एक सेकेंड, मेरा आर्मर कहाँ पे गया भाई. अभी वहाँ पे गाइस स्टिल फाइट चल रही है. एक सेकेंड, मेरे पास एक एक्स्ट्रा आर्मर पड़ा था भाई, मेरे बेस के सारे पैल्स उधर ही चाहे. ओह माय गॉड, मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा, मेरे पास आर्मर. ओके एक्स्ट्रा आर्मर पड़ा था, ये वाला आर्मर पहन लेते हैं. कम ऑन माय भाई, आई थिंक वहाँ पे अभी भी फाइट चल रही है, स्टिल फाइट चल रही है गाइस, ठीक है. फास्ट ट्रैवल, कम ऑन भाई. यार मुझे ना गाइस थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाना चाहिए था यार. आई थिंक फाइट चल रही हो. अरे यार अभी फाइट नहीं चल रही. अरे भैंस की गाइस, एक सेकंड, सबसे पहले सामान ले लो यार. मुझे लगा अभी भी फाइट चल रही होगी, तो अभी उसको वापस से मारना पड़.
मुझे दैट्स व्हाई ना गाइस, अब खुद से थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए था यार। अभी ये सारे पैल्स को मेरे को वापस ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग अभी वापस चले जाओ अंदर। बट मेरे अनुबिस किधर है? अनुबिस तो सारे ठीक है ना? एक काम करते हैं अभी ना। ओके, तीन तीन अनुबिस तो गाइस अपने बेस पे अभी भी अवेलेबल है। तो मैं ना बहुत डर रहा था इससे, तो एक काम करते हैं, अभी एक और चांस है मेरे पास। अभी ना मैं थोड़े से और पावरफुल बैस बॉसेस बुला लेता हूँ मेरे पास। ओके, ये हाँ, ये रिलैक्सोसॉरस कब काम आएगा, गधा कहीं का। ये इसको बुलाते हैं, फिर ये मूसांडा भी का बढ़िया होता है, रॉबिन क्विल भी अच्छा है, वो गोल्डन रॉबिन क्विल कहाँ पे गया उसको भी बुलाते भाई, वो कब काम आएगा। डिनोसॉम भी तो है अपना गोल्डन, ये गोल्डन डिनोसॉम आएगा। रॉबिन क्विल कहाँ पे गया, गोल्डन रॉबिन, अरे भैंस की आई थिंक उसको भी इसने पेल दिया अभी, इतने सारे। ओके, ये रहा गोल्डन रॉबिन, इसको इसके जगह पर बुलाते, ठीक है। ओके गाइस, तैयार रहो, मैं एक और बार उसको पहनने जा रहा हूँ। मेरी वैसे शील्ड कितनी, अरे यार मेरी शील्ड ओके ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ डैमेज आया नहीं है। एक और बार गाइस, वन मोर टाइम। ये रही मेरी गन, वैसे यार मेरी गन को डैमेज आया यार, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। कहाँ पे गया वो गधा कहीं का जेटू, आ जा गधे कहीं के, उसकी एच पी आर काश उतनी हो, 5000। अरे यार कमॉन, आ जा आ जा, तेरे को देखा था अभी मैं कौन बॉस है इधर का। कम ऑन गाइज, अभी छोड़ना नहीं उसको, और मेरे भी मेरे अनुबिस को मैं खुद भेज देता हूँ। अभी अपने पास टोटल 4 अनुबिस है, तो अभी इनको यार उसको मारना ही चाहिए। अरे यार क्या हो रहा है, चलो जाओ। ओके, अनुबिस तो भाई चला गया, वो सबसे आगे होता है। अरे जाओ ना उसके पास, एक सेकेंड अनुबिस को वापस बुलाते हैं, वो अकेला का ही लड़ेगा। हाँ अभी ठीक है, चलो मारो। ओ मेरे ऊपर आ गया, मेरे को मत मारना बस, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर मैं मर गया ना तो लफड़ा हो जाता है। यस, अभी देखो अभी मजा आएगा ना बेडू। कहाँ पे गया जोरमुंडे कहीं के? ओह डैमेज दे रहा है डैमेज। अबे तू इधर किधर अटक गया, अटको मत यार, तुम लोग अटको मत, वापस से कोशिश करो, ठीक है, पूरी कोशिश करना। वो बस मेरे पास जैसे आएगा ना, मैं अपना ड्रैगन लेके यहाँ से भाग जाऊँगा, ठीक है। ओके, 9000 पे गया उसकी, वापस इस पर आ चुकी है। मैं भी बोलिया पेल रहा हूँ उसके तगड़ी वाली, बच के रहो बस गधे कहीं के। मुझे लग रहा है ना, मुझे गाइस बेस ना अपना यहाँ पे बनाना चाहिए था, ताकि ना मैं खुद को थोड़ा सा डिफेंड कर सकूँ। बट मेरे काफ़ी सारे पैल्स आई थिंक ऑलरेडी मर चुके हैं। ओह शिट, मेरे काफ़ी सारे पैल्स गाइस ऑलरेडी मर चुके हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, रिलैक्सोसॉरस को पेल दिया उसने, चिकपी को बुलाते हैं। अरे यार, अरे यार, अरे यार, टॉम 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 बैट को बुलाते, टॉम बैट टॉम बैट टॉम बैट, कमॉन। ओके, खुद को बचाओ अभी सबसे पहले। 9000 पे एचपी आ गई यार, लास्ट टाइम उसके यार मतलब 5000 पे आई थी एचपी। ओके, अनुबिस को मार दिया क्या? ओके, फिर जा तू जा कैट्रेस जा, आई मीन जो भी नाम इसका, वॉरसेक को भी हरा दिया भाई। ये चीज़ है क्या यार, मतलब इतना पावरफुल कैसे, क्यों, किस लिए? ये बस इधर मत आना, मेरे पास मत आना बस, ठीक है। ओके, इन डेंजर इन डेंजर, बूशी को भेजते हैं, बूशी नहीं, ओह शिट, ओह बचो 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 बचो। अरे नहीं यार छोड़ मेरे को, कितने रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं गधे कहीं के, तेरी भैंस की। ओके गाइस, रॉबिन क्विल भी तगड़ा डैमेज दे रहा है भाई को इसे। ओके कम ऑन यार, मारो उसको, ही इज सो स्ट्रांग गाइस, ही इज सो स्ट्रांग। यस, उसको वहीं पे पहल रखो, मैं एक बार फेंक के देखूं, गन नहीं कुछ नहीं होगा। ओके, उसको करंट तो दे रहे हैं ये लोग तगड़ा वाला, कम ऑन पहल दो साले को। मेरे परफ मत आना, मक्खियां घूम रही है यहाँ पे, मैं अटक गया मैं अटक गया। ओ शूट, पाल टीम इज हंग्री, पाल टीम्स को भूख लगी है क्या? अरे तू कहाँ पे अटक गया अनुबीज? ओ ये मेरे ऊपर आ गया, शिट, ओ शिट 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 शिट। ओके एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वो मेरे ऊपर बॉल फेंक रहा है, उसको सबसे पहले बचता हूँ मैं, और अभी मेरे को वापस बुलाने पड़ेंगे। एक सेकेंड एक सेकेंड भाई, काफ़ी सारे मार दिए इसने। ओके डिनोसॉम तू आ जा, इस बार नहीं मरना यार, इस बार मत मरना, इस बार मत मरना। पेन किंग को बुलाते, ओके इसको बुलाते, हाथी तू वापस जा जा, इसको बुलाते। ओके ठीक है, मारो भाई उसको मारो, रॉकेट लॉन्च कर रहा है, अरे मारो उसको, सीधा मेरे ऊपर आ गया। ओह चगावत, नेटविंग को भी पेल दिया उसकी, यार 6000 पेज पे आ गई उसकी, और मेरे दो तीन अनुबिस तो आई थिंक इसी मर गए। अरे यार तुम लोग मारो ना उसको, अनुबिस जा मारो उसको जा, मेरा अनुबिस तो अभी भी जिंदा है गाइस, मारो उसको मारो मारो सालों को, मेरी तो सारी ऑलमोस्ट गोलियां खत्म होने वाली है, कुछ भी नहीं हो रहा भाई को। मेरे पास ना यार सीरियसली गाइस वो रॉकेट लॉन्चर होना चाहिए, अगर वो रॉकेट लॉन्चर होता ना भाई मेरी ज़िंदगी बन जाती सीरियसली। जी ऐसी की तैसी गधे कहीं के, मैं स्पेयर फेंक के देखूँ क्या, लेजेंडरी कुछ नहीं होगा उसको। इलू इलू को भी गाइस उसने मार दिया। ओके डेंजर डेंजर डेंजर, सारे डेंजर में चले गए पैल्स। अरे यार कुछ तो करो यार, कुछ तो करो, कुछ तो शर्म करो, नूबड़ो मारो उसको। ओ
ओके गाइस 5000 पे इसकी वापस एचपी आई है। अरे ये अनुभवी इधर कैसे अटक गया गधा कहीं का? ओके स्टार्विंग, उसको भूख लगी है क्या? अरे भैंस की उसको, ओके भूख, एक सेकंड भूख लगी है तो खाना यहाँ पे मैं रख देता हूँ, बट मेरा खाना तो ये लोग नहीं खाएंगे ना। अरे यार कमॉन 4000 5000, कमॉन गाइस वी कैन डू दिस। बस आधी एचपी और बची है। सारे मर गए आई थिंक गाइस मेरे पैल्स। ओ माय गॉड अभी कुछ ही बचे। अनुबीज वैसे अभी भी जिंदा है गाइस, आई थिंक वी कैन बीट हिम गाइस। एटलीस्ट मुझे मार तो देना है उसको, ठीक है? अगर पकड़ नहीं पाया ना तो एटलीस्ट मारेंगे उसको, बहुत तगड़ा वाला मारेंगे। ओके 4000 5500, मेरा अनुबीज मर, ओ मेरा अनुबीज मार दिया भाई ने। ओके जा बुशी तू जा, मेरे को आग लग रही है हॉट। एक सेकेंड सबसे पहले ये नए पैल्स भेजो बेस पे, बस मेरे को मत मारना यार। मुझे ना गाइस थोड़े से और स्ट्रॉन्ग पैल्स पकड़ के लाने चाहिए थे, आई थिंक वो आग लगी है मेरे को। आई थिंक आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई, शिट। ओ माय गॉड गाइस मेरे को सीरियसली एक गन की जरूरत है यार, आई मीन बहुत स्ट्रॉन्ग गन की जरूरत है। मेरे सारे पैल्स मार दिए उसने, आई मीन अनुबिस को मार दिया भाई, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा भाई मेरा इतना पावरफुल पैल। और आई थिंक मेरे पास भी जितने थे ना पाल पार्टी में, मुझे ये भी सारे भेजने चाहिए। ओ माय गॉड गाइस ही इज सो स्ट्रॉन्ग, आई मीन मैं बता नहीं सकता आपको भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी मेरे पास आर्मर वेक काम कर, अभी सो लेते हैं। सो गाइज मुझे लग रहा है ना मुझे उस रॉकेट लॉन्चर की सख्त से सख्त जरूरत है। मे बी मेरे को नेक्स्ट एपिसोड में या उसके अगले एपिसोड में वो रॉकेट लॉन्चर मिल ही जाएगा। बट अभी मैंने जितना भी एक्सपेरिमेंट ट्राई करा, मैंने 2 बार कोशिश करी, उसका मैं बाल भी बाका नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो अभी मैंने उस बेस पे वापस निकल लेता हूँ। एटलीस्ट भाई अच्छा हुआ ना मेरे को फास्ट ट्रैवल तो है भाई, वहाँ पे मैं इजीली जा सकता हूँ। सो अभी मेरे को गाइस देखो एक बहुत ही तगड़ी गन चाहिए। एक सेकेंड मेरा, सबसे पहले मेरे को आर्मर दे दो, मेरे को गर्म लग रहा है बहुत ज़्यादा। ओके पहन लिया आर्मर, अभी गर्मी नहीं लगेगी आई थिंक। सो ये देख सकते हो आप मेरे पैल्स की क्या हालत हो रखी है, मतलब सबकी हड्डी पसली भाई ने तोड़ दी यार। आर्मर ओके ये वाला पहनना पड़ेगा इसकी भैंस की, ये लो। और इनको ना भूख लगी थी, मतलब स्टार्विंग हो रहा था, दैट्स वाई ना मुझे यहाँ पे ना एक वो फूड बाउल बनाना चाहिए था इसकी भैंस की। ये फूड बाउल एक बना ही देता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब भाई क्या ही करूँ मैं, मतलब कुछ में उसका बाल भी बाका नहीं कर पाया उसकी। बट आधी इस पर मैंने 2 बार खा ली थी, मतलब हमने ख़राब कर दी थी यार। ये लकड़ी चाहिए भाई ये फूड बाउल बनाने के लिए। अभी सबसे पहले काम करते हैं सारे पैल्स को मैं अपने बेस के अंदर भेज देता हूँ भाई, उनको काफ़ी चोट वगैरह भी लगी है। और तो अभी जितने भी पैल्स हैं मुझे इनके लिए गाइस अभी मेडिसिन वगैरह बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से काम करते हैं, बाकी के भी पैल्स को मैं बेस के अंदर ही बुला लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे भी कोई नहीं रहेगा, काफ़ी ख़तरनाक एरिया है। हम लोग अभी यहाँ पे फिर कभी आएंगे, ठीक है? जब मेरे पास वो गाइस गन आएगी उसी गन की मदद से उसको मैं पकड़ सकता हूँ, रादर देन देर इज जीरो चांस, ठीक? तो अभी मैं ना अपने बेस पे एटलीस्ट दूसरे पाल्स बुला लेता हूँ जो काम तो करेंगे एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए। या ये कुछ आएंगे अपने पाल्स सेलरे वगैरह, इनको बुला लेता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो काम होता रहेगा बेस पे। सो गाइज ठीक है हमने लिटरली मुँह की खाई है। तो अभी मेरे को लग रहा है ना मेरे को गाइज और थोड़ी से स्ट्रॉन्ग पैल्स बनाने पड़ेंगे। क्या होगा अगर मैं बहुत सारे, मतलब सारे के सारे अनुबीज ही लेके जाऊँ उसके पास? तो अनुबीज को ब्रीड करने के लिए सेलरे चाहिए ना मुझे, तो काम करते हैं सेलरे। मैंने सेलरे, अरे सेलरे मैंने सारे बेच दिए क्या? नहीं मेरे पास सेलरे है, ये फीमेल है। और मेरे को रिलैक्सोसॉरस चाहिए था, रिलैक्सोसॉरस ये भी फीमेल है, मेरे को फिर मेल सेलरे चाहिए। एक सेकेंड मैं गाइस ना थोड़े से और अनुबीज बनाने वाला हूँ, ठीक है? जितने हो सके उतने बनाते हैं और फिर उन सारे अनुबीज के साथ उसके ऊपर धावा बोलेंगे, बट उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी मेरे को मेल सेलरे चाहिए, अरे मेल, हाँ ये रहा मेल, तो ये आ गए। चला जा मेल कहीं के यहाँ पे आके अभी जल्दी से ना अंडे यहाँ पे पैदा करना शुरू कर दो, ठीक है? मतलब केक यहाँ पे कुछ भी करो, बट मेरे को अनुबीज चाहिए अभी बहुत सारे, 2 3 4 5 अनुबीज चाहिए, जितने हो सके उतने चाहिए अनुबीज मेरे को। तो उसको भी यहाँ पे मैं रखवा देता हूँ, आई थिंक इन्हीं से बनता है ना अनुबीज, मे भी इन्हीं से बनता है। तो इसको मैंने भेज दिया। अभी केक इतने ओके, मेरे पास केक ऑलरेडी 2 है, सो देर आर 2 केक्स, इनको यहाँ से ले लेते हैं। अरे यार आजा केक, इसको यहाँ पे रखवाते हैं इसके अंदर नीचे। केक 2 केक रखवा दिए। लास्ट एपिसोड में गाइज मैंने यहाँ पे जो ह्यूज ड्रैगन एक पकाने के लिए रखा था वो पक चुका है, देखते इससे क्या निकलता है। एक और जोरमुंडे निकला है, ठीक है यार ओके। तो उससे जोरमुंडे ही निकलता है, मतलब एक ही टाइप का ड्रैगन आता है, बट अच्छी बात है अभी ये जोरमुंडे इसको भी बेस पे बुलाते हैं, 2 2 3 3 जोरमुंडे हो जाएंगे। कहाँ पे गया जोरमुंडे? मेरे को तो लगा यार वो काफ़ी पावरफुल होगा, बट जेट ड्रैगन को हराना
इतना मुश्किल का काम नहीं है भैया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इसको भी अपने बेस पे बुला देता हूँ मैं, ठीक है, इसके जगह पे। अभी अपने पास फिर दो दो जोरमुंडे हो जाएंगे। और क्या होगा अगर मैं जोरमुंडे और अनुबिस का ब्रीडिंग करूँ, मे भी उससे और कोई स्ट्रॉन्ग पैल निकलेगा, पता नहीं मेरे मेरे को, बट ढूंढना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, अभी ना अपने सारे पैल्स वैसे इंजर्ड हो ही गए, वो जब तक ये रिकवरी कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस इधर वाला एरिया है ना, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करके आते हैं, क्योंकि अभी बस यही वाला एरिया एक्सप्लोर करना बाकी रह गया। लगभग मैंने बाकी तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है, वैसे इधर वाला भी एरिया वैसे बाकी अब तक। ये ठंडी वाले एरिया में गाइस जाके जाके देखे क्या, मेरे पास वैसे कपड़े भी है ना ठंडी वाले, ठंडी वाला आर्मर मेरे पास पड़ा था। एक काम करते यार, अगर जेड रैंकर आज नहीं पकड़ पाए तो कभी ना कभी तो उसको हम लोग पकड़ ही लेंगे। तो अभी ना जाके गाइस वो सर्दी वाला जो एरिया है उसको अनलॉक करते हैं, ठीक है, मतलब उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कपड़े पहन लेता हूँ मैं, सर्दी वाले पहन लिए मैंने ना। हम लोग यहाँ से भी सीधा निकलने वाले सर्दी वाले एरिया में, मतलब जहाँ पे मतलब नया एरिया मुझे अनलॉक करना है, ये वाला। यहाँ पे भी मैंने सुना है काफ़ी यूनिक पैल्स है, तो सबसे पास वाला ये लैंड है, तो वहीं से आगे जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम हम लोग वहाँ पे गए थे, बट उस ट्री के चक्कर में मैं वो वाला एरिया एक्सप्लोर नहीं कर पाया, और मेरे पास वो ठंडी वाले कपड़े भी नहीं थे। तो अभी मेरे को पूरा इस तरफ जाना पड़ेगा उड़ के। तो ये आ गया बीकॉन, और मैंने सुना है ना वहाँ पे बहुत सारे यूनिक पैल्स मिलते हैं। अभी काहे मार रहा है उसको, जाने देना भाई, काहे पंगे ले रहा है। यहाँ पे वैसे ये वाला एरिया वैसे मैंने एक्सप्लोर करा है क्या? अरे यार, मैंने इसको भी एक्सप्लोर नहीं करा गाइस। तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा ठीक है एक्सप्लोरिंग ही करते हैं। जेड ड्रैगन को तो भाई आज हम पकड़ नहीं पाएंगे, मेरे पास जब तक वो गन नहीं आती ना, वो गन के लिए भी मेरे को तो अपनी एक्सपी बढ़ानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। लेवल 46 पे वो गन बनती है, वो एक बार बन गई ना यार लाइफ बन जाएगी। वैसे यहाँ पे भी अरे सारे बर्फीले पत्थर ही है इसके अंदर से। ओके, मेरे को मेडिकल सप्लाइज मिल गए थोड़े से। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है? ओह ओके, ये हाँ ये भाई अपनी अपनी ही है, मेरे को लगा वो मेरे को डैमेज दे रहा है। अरे पैल सोल्स खत्म हो गया क्या? लेजेंडरी नहीं फेंकने मेरे को, दूसरे वाले पैल सोल्स। ए शिट, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ओह माय गॉड, मेरे पैल सोल्स कहाँ पे गए? मेरे पास यार ओनली लेजेंडरी बचे क्या? अरे लेजेंडरी मैं यूज नहीं करना चाहता। ओके, ओ शिट, लेजेंडरी से देखो वो इजीली कैप्चर हो जाएगा। एक काम करते गाइस, पकड़ ही लेते, ठीक है, चल तेरी भैंस की। लेजेंडरी पाल्स फेर फेंका है भाई मैंने, आई थिंक गलती कर दी यार, बहुत महंगा है उसको बनाना। बट ठीक है, कैप्चर हो गया है वो, ठीक है, नो वरीज, कैप्चर कर लिया भाई को, और उसका भाई मेरे पीछे ही पड़ा है। तेरी भैंस की, जा बेलिन उसको पेल दे, थोड़ा सा सबक सिखा भाई को, थोड़ा सा मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा डैमेज दे रहा है। अभी देखो उसका डार्क पावर, मेरे को उसका डार्क पावर बहुत पसंद है। अभी देखो कैसा बड़ा सा बॉल फेंकेगी भाई, बहुत ओवर, इट्स ओवर माय बॉय। उसने मेरे को आइस ऑर्गन दे दिया थोड़ा सा। ओके, वापस बुलाते हैं इसको, बीकॉन को। मेरे को यार देखो ये ना बड़ा स्पेयर यूज नहीं करना था मेरे को भाई, ये जगह है क्या? वाओ, क्या कूल टावर है भाई, आई मीन वाओ, जस्ट वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ भाई, क्या जगह है। वैसे नाम क्या याद इस जगह का पता नहीं, बट यार दिखने में ना बहुत, और ये माउवी, हाँ ये ओके, इसका कलर अलग है, बट यार काफ़ी यूनिक पैल्स है। यहाँ पे कुछ है क्या बॉस वगैरह? यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मेरी पाल टीम हंगरी है। यहाँ पे ये पाल कैचर, अरे यार ये सिंथेटिक ठग वाले बंदे इधर भी है, बट यहाँ पे काफ़ी बड़े टावर नहीं है, मतलब यहाँ पे पूरा टावर वाला ही स्ट्रक्चर है, और काफ़ी यूनिक भी है गाइज। बट मेरे को वो वाइट कलर का मैमद या कोई अलग पैल मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। वैसे एक तो अलग मिल चुका है, ये गेमर्स हमको एक और फास्ट ट्रैवल मिल गया भाई, बहुत सही बहुत सही, इधर का फास्ट ट्रैवल मिल गया। और अभी ये लोग गधे मेरे पीछे पड़ गए, तुम्हारी ऐसे की तैसी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आई थिंक मुझे और ऊपर बर्फीले पहाड़ों में जाना चाहिए, यहाँ पे तो देखो बर्फ़ नहीं है, मतलब ये नॉर्मल पहाड़ है। दैट्स वाई थिंक यहाँ पे मुझे वो वाइट कलर का मैमथ नज़र नहीं आ रहा, बट मेरे को बताया तो गया ये इधर ही दिखता है। ये रहा गेमर्स वाइट कलर का मैमथ फॉरेस्ट, आई मीन मैमथ इसको जो भी बोलते हैं। आई एम गोइंग टू फाइट हिम गाइज, ठीक है, बट डर तो काफ़ी लग रहा है। देखो भाई काफ़ी पावरफुल चीज़ है, और मेरे पास ना मेरे यार पावरफुल पैल्स नहीं है। अरे यार एलफील्ड रैंड वगैरह लेके घूम रहा हूँ मैं, वैसे बैलिन और तो है। या गाइज वी कैन डू दिस, अपनी ये गन निकालते हैं, और ये वाली गन अपनी राइफल कहाँ पे गई? राइफल राइफल राइफल, वेर इज़ माई राइफल? ये रही राइफल, चलो पहला डैमेज कर देते हैं, इसी को पकड़ने का था। हेलो, वैसे डैमेज तो तगड़ा जा रहा है भाई को। ओ मारना मत नहीं नहीं मारना मत उसको, मारना मत उसको इतनी जल्दी भाई, आई मीन व्हाट द हेल, मेरे को तो लगा भाई टाइम लगेगा। ईजी, मतलब भाई ओ शिट, थोड़ा सा गाइस प्लान में चेंज होने का, मैं अभी तो पकड़ में आ ही जाएगा। कम ऑन, मेरे पास एक ही अल्ट्रा स्फीयर बचा है, एक मैंने वेस्ट कर दिया, प्लीज कैप्चर। मैं जा रहा हूँ गाइस यहाँ से भाई साहब, इजीली, मतलब
मैं बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हूँ भाई यहाँ पे। भाई क्या लोकेशन है भाई, मतलब ओ माय गॉड इट्स सो कूल यार, पूरा स्लाइड। ओह एक और मैमथ फॉरेस्ट भाई, क्या खूबसूरत है। और वहां पे मेरे को फास्ट ट्रैवल दिखा है, दैट्स व्हाई मैं नीचे आ गया यहाँ पे। ओ डैमेज नहीं भाई, शप्पत। आर यू सीरियस? अरे यार मैंने वो, मेरे को लगा मैं, हाँ भाई मेरी गलती, मेरे को लगा मैं इजीली नीचे पहुंच पाऊंगा भाई। बट एटलीस्ट हम लोग वो मैमथ को तो लेके आ गए अपने बेस पे। भाई काम कर रहे, अभी मेरे को यार वो वापस से ठंडे कपड़े बनाने पड़ेंगे। तो आ जा मेरे मैमथ मेरे बेस पे, गधे कहीं के दिखा दे तेरी शक्ल। इसको पकड़ने में भी मज़ा आ गया, मेरा वाइट कलर का मैमथ मैमथ मैमथ। ओके पकड़ा है मैंने, आ जा रे आ जा भाई, सोने के लिए चला गया। बट अभी यार मेरे को ना गाइज, भाई मेरे को अभी मेरा एक और ठंडा कपड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को अपना सामान भी तो वापस लेके आ भाई ना, मतलब यार मेरे पास वो थंडर क्लाउड भी था यार उसके, मतलब मैं वहाँ पे भी ना इजीली आ सकता था। बट एक काम करते हैं, मैं नई टेक्नोलॉजी, ओके मेरा लेवल अप तो वैसे नहीं हुआ यार, मेरे को लेवल अप अभी बहुत तेज करना पड़ेगा। मेरे को कुछ भी करके रॉकेट गन चाहिए। बट वो ठंडा वाला कपड़ा है क्या कहीं पे, ठंडा वाला कपड़ा नेक्स्ट लेवल का नहीं है, यही है कोल्ड आर्मर, तो कोल्ड रेजिस्टेंस आर्मर बना दो। अरे अनुबिस नहीं होगा अभी अपने बेस पे, मुझे बुलाना पड़ेगा, मेरे पास भी नहीं है अनुबिस। अनुबिस नहीं था ना, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा डर रहा था। बट अभी वापस अपने पास अनुबिस को बुला लेते हैं। अरे मेरे को भी ठंड लग रही है, हाँ पता है मुझे ठंड लग रही है। अनुबिस ये रहा मेरा अनुबिस, अभी लेवल 50 का अनुबिस है अपने पास। शायद अभी सो ही लेते ठीक है, फिर सुबह होने के बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे। बस मेरा मुझे सामान यार, अब मुझे ना फास्ट ट्रैवल दिखा था वहाँ पे, दैट्स मैं थोड़ा सा लालची हो गया। लालची आने के भाई लालची क्या, बस मतलब सोचा मेरे को मिल जाए फास्ट ट्रैवल तो वहाँ पे मैं वापस आ पाऊँगा। और ये अनुबिस चल बना दे इसको जल्दी से, अभी देखो अनुबिस कितना तेज़ बनाएगा। ये होता है अनुबिस। और भाई अभी अनुबिस का, अरे 47 हो गया क्या लेवल? वैसे अभी इसका आई थिंक बढ़ जाएगा लेवल, वैसे मेरा 47 है ना। तो ये मैंने गाइस आर्मर पहन लिया और अभी वापस मैं निकल लेता हूँ इसको अपने पास। ओके अभी अपने साथ अनुबिस है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एंड उड़ने वाला पैल भी है ठीक है। तो अभी यहाँ से फास्ट ट्रैवल करके हम लोग जाएंगे, मैं मरा हूँ इधर तो फास्ट वाला यार काफ़ी दूर उड़ के जा रहा है यार, ऑलमोस्ट यार वहाँ पे पहुँच ही गए थे। अभी इसकी बहस के भी मेरे को पूरा उड़ के पूरा चक्कर काट के जाना पड़ेगा। ये हम लोग गेमर्स आ चुके हैं अपने सामान के पास, फाइनली मुझे गाइस मेरा सारा सामान मिल गया। बहस की लकड़ी, मैं ना ऊपर से नीचे गिरा और मेरा ना स्टैमिना खत्म हो गया था, नहीं तो मैं बच सकता था। बट एनीवेज अभी विदाउट एनी पंगा मेरे को बस वो फास्ट ट्रैवल दे दो उधर का। और आई थिंक यहाँ पे ना कोई बॉस होगा, दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है। बट ये वाले बॉस को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में रहेंगे, आज के लिए बहुत हो गया, मतलब मज़ा आ गया भाई, इतनी नई नई चीज़ें देखी। बट यार ये स्नोई बायोम ना मेरे को सीरियसली बहुत बढ़िया लगा, काफ़ी यूनिक और नया है ये। सबसे पहले फास्ट ट्रैवल दे दो, ये फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो गया और यहाँ पे कोई बॉस रहता है उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत खुश हूँ इधर का नया एरिया एक्सप्लोर कर लिया। अभी भी यार बहुत जगह एक्सप्लोर करना बाकी है, तो अभी ना आने वाले 2-3 एपिसोड्स में पूरा नया जगह एक्सप्लोर ही करूँगा। तब तक मेरे को नए एक्सपी भी मिल जाएगी, अपना लेवल 46 हो जाएगा, 47 या 48, और तब जाके मेरे को जब वो गन मिलेगी हम तभी जेड ड्रैगन को पकड़ सकते हैं। अभी तो उसको पकड़ने का देर इज जीरो चांस गाइस, जीरो। और अभी मैं अपने साथ वैसे ज़्यादा कुछ लेके आया नहीं, और जो मैं एक दो नए पैस लेके आया था वैसे एक, हाँ एक तो एक को पकड़ा था ना मैंने, उसको तो बेस से बुलाते हैं, वो भी देखते वो चीज़ क्या करती है। बट अपना मैमथ तो भाई अभी उसको काफ़ी चोट लगी है, आई थिंक रेंडेरिक्स में इसको पकड़ के ले गया था ना, तो इसको यहाँ पे बुलाते हैं। बट ये तो मेरे पास ऑलरेडी थी आई थिंक, नहीं ये इतनी नहीं थी मेरे पास वैसे, बट दिखने में कितनी खूबसूरत है ना ये जॉरमोंटे, तो गधा कहीं का बीच में ही आ रहा है। बट मेरे को एक बार ना इसकी पावर देखने दो, ये मैमथ की। तो मैमथ को मैं अभी अपने पास बुला लेता हूँ यहाँ पे एल्फेंडन की जगह पे। चला आ जा मेरे मैमथ, एक बार दिखा दे तू कर क्या सकता है। वैसे आई थिंक उसके भी ना कहीं सेम पावर्स होंगे, वैसे वो लेवल 42 है। ओके लकड़ी, ओके पत्थर तोड़ रहे। सो गाइस ठीक है यार, ठीक है इट्स ऑल राइट, मतलब ज़्यादा भी पावरफुल नहीं है बट अभी। और लास्ट एक सेकेंड, ये जो मैंने यहाँ पे अंडा, भाई इन्होंने बंडा, मैं इसके बारे में भूल गया था। सबसे पहले ये जो अंडा अभी नया बना है जिसके अंदर अपना अनुबीज है, उसको यहाँ पे मैं रखवा देता हूँ। अभी इसके अंदर से एक और अनुबीज निकलेगा, अभी आई थिंक 2-3 अनुबीज के अंडे मेरे को और चाहिए अभी। अरे एक और बना दिया, अरे बहुत बढ़िया, अरे 2-2 अंडे मिल गए अनुबीज के, भैंस की और क्या चाहिए। और इसके अंदर एक और पहले से अंडा था, इससे क्या निकलता है देख लेते हैं। कमॉन कुछ बढ़िया सी चीज़ मिल जाए। ओ बाला माजूत वॉज बॉर्न, ये क्या चीज़ है भाई बाला माजूत, ये देखना पड़ेगा। और ये ह्यूज रॉक एक मैंने रखवा दिया, तो भी यहाँ पे 2-2 अनुबिस पैदा होने वाले। सो गाइज
आज के लिए इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ना ये व्हाइट मैमथ और ये ग्रीन मैमथ इनको भी ब्रीड करवाएंगे। मे भी इनसे भी ना मेरे को एक बहुत तगड़ी सी चीज़ मिलेगी। और अभी इनको यहाँ पे केक चाहिए मेरे को, और दो तीन केक बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे अनुबिस की पूरी आर्मी खड़ी कर सकें। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नए एरियाज एक्सप्लोर करेंगे और नए पास पकड़ेंगे, अनुबिस की आर्मी खड़ी करेंगे। अगर आपको कुछ सजेशन है नीचे कमेंट्स में बता दो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय गेमर्स।